दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी जो है इन्फिनिक्स के मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा या फिर OTP नहीं आ रहा तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स का, या फिर दिखाई देगा ऐप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो आपको जो है इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मैनेज ऐप्स का ऑप्शन, तो आपको जो है मैनेज ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स की जगह पर आपको ऐप लिस्ट का भी दिख सकता है, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो है आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर जो सर्च बार में आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है मैसेज, या फिर आप लोग यहाँ से भी जो है इसको देख सकते हो। मैं अब एक बार यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैसेज। जैसे आप लोग यहाँ पर मैसेज सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा मैसेजिंग का। तो आपको जो है इस मैसेजिंग वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक, अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि या तो आप लोग यहाँ से जो है मैसेज वाला ऐप यहाँ पर देख सकते हो, मैसेज वाला ऐप आपको कहीं पर दिख जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर जो है सर्च कर लेना है मैसेज। जैसे आप लोग यहाँ पर मैसेज सर्च करोगे तो आपके सामने जो है ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको जो है इस ऐप पर जो है मैसेज वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टोरेज का, तो आपको जो है स्टोरेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन, तो आपको क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है ऐप परमिशन पर, तो आपको जो है ऐप परमिशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है काफ़ी सारी परमिशन आ जाएंगी, तो आपको जो है इन सभी परमिशन को ऑन कर लेना है। अगर आपकी पहले से ये जो है सारी परमिशन ऑन है तब तो आपको कुछ भी नहीं, की परमिशन ऑन नहीं है तो आपको जो है इन सभी परमिशन को सबसे पहले जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन जो है रेस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो है मोबाइल डाटा ही रहने देना है। अगर आपका यहाँ पर मोबाइल डाटा की जगह कुछ और हो रहा है तो आपको जो है जहाँ तक आपका जो है मोबाइल डाटा ही होगा तो आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे क्लियर ऑल डाटा का एक और ऑप्शन, तो आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे आप लोग ये कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल को कर देना है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद आपको एक बार स्विच ऑन करना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है 100% जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।